हेलो स्टूडेंट, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हितुल आशीष शर्मा एक बार फिर थोड़े नाल इतने जानकारी चैनल पर थोड़ी ही जानकारी ले दसा। अज थोड़े नाल एक नवा कॉन्टेंट अकाउंटेंसी का शेयर करांगे की है, पर उस तो पहला एक गल बहुत जरूरी जिहड़ी ध्यान च रखनी बड़ी जरूरी है। हुण तक वक्त-वक्त टॉपिक्स के उत्ते मैं 10 वीडियो जानकारी चैनल के उत्ते अकाउंटेंसी नाल संबंधित पा चुके, जो A1 A2 A10 सीरीज तक जा चुकी है, जिदे विच मैं सब तो पहला जिहड़ी वीडियो सी A1 दे विच ओह बुककीपिंग ते अकाउंटेंसी नाल रिलेटेड सी। फिर इस तो बाद बेसिक कंटेंट्स दे नाल, बेसिक टर्म्स दे नाल संबंधित दो वीडियोस जिहड़ियां पाईयां ने। फिर एक वीडियो लायबिलिटीज, लायबिलिटीज दी टाइप्स, एसेट्स, एसेट्स दी टाइप्स। इस तो बाद डेबिट ते क्रेडिट दे बेसिक नियम की ने, इहदियां वी दो वीडियोस वक्त-वक्त लैंग्वेज दे विच। जर्नल एंट्रीज दा बेसिक कॉन्सेप्ट की है, डबल एंट्री सिस्टम की है, ओहदी स्टार्टिंग इनिशियल स्टार्टिंग किवें होनी है, परफॉर्मा की है, ट्रेडिशनल ते ड्यूल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट नाल रिलेटेड जिहड़ा नियम है साडे कोल, इक्वेशन ए सिस्टम, इक्वेशन बेस्ड सिस्टम, ओहदे बारे मैं डिटेल वीडियोस 10 वीडियोस पा चुके हां। ते अज मैं हितुल आशीष शर्मा जानकारी ही चैनल दे उते अज 11वीं वीडियो पूरी 11 एंट्रीज तुहाडे लई लेके आया है। आराम नाल मेरे नाल चलो, एक एक कॉन्सेप्ट नूं ध्यान नाल समझियो। लेट्स मूव अहेड विद मी। Today's topic regarding the journal entries, as I have already told, firstly in brief, जल्दी जल्दी नाल करते हैं भी। जर्नल की होंगे सानू सारा पता है, जर्नल फ्रेंच वर्ड है, जूर तो लिया गया, जिसका मतलब है आडे एक दिन डेली बेसिस से, जिस बिजनेस दियाँ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे ने। मतलब जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, ध्यान रखियो, ओरिजिनल एंट्रीज इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन चरनोलॉजिकल ऑर्डर। चरनोलॉजिकल ऑर्डर मीनस डेट वाइज। इस तो बाद जर्नल दे विच बेसिकली ध्यान रखना है कि प्राइमरी बुक है, डे बुक और डेली बुक है, डेट वाइज रिकॉर्डिंग होंगी है। ट्रांजेक्शन की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन असं नरेशन के रूप दें, इतने अमाउंट डेबिट या क्रेडिट जड़े दे लिखे जाते हैं वो यदि अर्थमैटिकल एक्यूरेसी तो पता, एक्यूरेसी नू चेक करते हैं कि मैथमैटिकली, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम दे विच असी एक गल की भी होंगी है कि जिन्ना अमाउंट डेबिट उन्ना क्रेडिट। तो नैचुरली जो असी ये गल की गल कर रहे हैं कि अमाउंट डेबिट तो क्रेडिट वो अर्थमैटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं, तो सानू इतों पता लगता है, ये भी एक फीचर है। तो जर्नल है डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली बनता है, ये गल ध्यान रखियो। उस तो बाद जर्नल का फॉरमेट असी पहला भी दस्या, जिवें मैं अज पहला तुहानू दस चुके हैं कि इन्हां नाल रिलेटेड कोई भी वीडियो तुसीं पिछे देख सकते हो। अज साडा मेन मकसद उन्हां 11 एंट्रीज नूं कंसंट्रेट करना है। डेट, ट्रांजैक्शन की डेट लिखांगे, उहदी डिटेल, किहड़े अकाउंट नूं डेबिट करना है, किहड़े नूं क्रेडिट इत्थे लिखांगे, लैजर फोलियो, लैजर का पेज नंबर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ते इत्थे दी जर्नल एंट्री पाउण तों बाद नरेशन। बीइंग फॉर ए लिखना कोई जरूरी नहीं, बट फॉर्मल बुक्स के भी चल रहा, असी भी लिखते चले जाते हैं। ये बेसिक दा फॉर्मेट है जिदे विच जर्नल एंट्रीज करनिया होंदिया ने असी, ते जिहड़ी असी अज करांगे भी। इस तों नैक्सट जदों डबल एंट्रीज करनिया ने, ये दो बेसिक रूल ने, ये रिगार्डिंग भी डिटेल वीडियो तुसी वीडियो च पहला देखो, फिर इन्हां रूल्स नूं तुसी समझ पाओगे। एक एक कॉन्सैप्ट क्लीयर है, सानू पता है रूल्स ऑफ डबल एंट्री दो सिस्टम ने, एक तो मॉडर्न या इक्वेशन बेस्ड अप्रोच है जिथे असी अकाउंट नू जिन्ने भी तरह के बिजनेस ट्रांजैक्शन का हर अकाउंट है उन्होंने पांच हिस्सों में वंडिया गया, एसेट्स, एक्सपेंसिस, लाइबिलिटीज, कैपीटल जिन्हों इक्विटी का नाम दिता गया, इस तो इलावा रेवन्यू, तो डेबिट कदों होंगे ने, क्रेडिट कदों जदों, जिमें एक एग्जाम्पल दस रहे हैं, इनू देख लो। एसेट है जो भी इनक्रीज होएगी, उसकी वैल्यू बिजनेस बढ़ रही है तो असं उस एसेट के अकाउंट में डेबिट करांगे, तो जो एसेट की वैल्यू डिक्रीज होएगी उसे क्रेडिट करांगे। सेम एक्सपेंसिस नाल है, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, रेवेन्यू होंगी इनकम, ये तिना नाल सेम कंडीशन है, तिना की वैल्यू जेकर बिजनेस इनक्रीज हो रही है तो उस लाइबिलिटी नू, कैपिटल अकाउंट नू, जा उस इनकम नू असी हमेशा क्रेडिट करते हैं उस अकाउंट नू। उस तो इलावा जो डिक्रीज होंगे ने तो उन्होंने डेबिट करते हैं। रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम की है, परसनल अकाउंट सानू पता है परसन के नाम आते हैं, डिटेल वीडियो इज देयर, रियल ते नॉमिनल अकाउंट। परसनल का नियम याद रखो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर,
रियल दे विच डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट नॉमिनल्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इहदा मतलब की है डिटेल्स जानना चाहते हो मैं एक गल फिर स्टूडेंट्स नूं कहांगा कि डायरेक्टली जेकर तुसी अज ये वीडियो देख रहे हो तो कॉन्सेप्ट क्लीयर नहीं हो पाएगा पिछे जाके जरूर देखो तो बड़ा ईजी हो जाएगा ये रस्ता जर्नल थोड़े टिप्स ते आ जाएगा। आओ अज दे उन्हां जिन्हां मैं 11 जर्नल एंट्रीज की गल कर रहा सी उन्हां दे वल वधदे हैं एक एक एग्जाम्पल एक गल ध्यान रखियो डेट अमाउंट ते नाम ये बदलते रहेंगे ट्रांजैक्शंस बेसिकली असी सीखनिया ने असी नाम अमाउंट ते डेट वल ज़्यादा ध्यान नहीं देना एक की पॉइंट चेंजिंग है तो बदलते ही रहेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन पेपर च इस तरह करके लिखी हुई होगी एक ट्रांजैक्शन ये सारा पेपर च नहीं लिखना जोड़ा मैं हूँ इतने समझाने वास्ते लिखा हुआ है पेपर च असी इस तरह दिए जो भी सॉल्व करते हैं कोई साड़ा कंपीटिशन होंगे तो इस टाइप की जर्नल एंट्रीज असी पाते हैं सिर्फ इस क्वेश्चन नू पढ़ के इस टाइप की एंट्रीज ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन है हर एंट्री च मैं तुम्हें समझाने वास्ते लिखा है बलदेव स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख बलदेव ने अपना बिजनेस शुरू किया 1 लाख रुपये कैश नाल ध्यान की देना असी हमेशा जड़ा मैं इस एंट्री समझाऊंगा हर एक ध्यान रखना है ट्रांजैक्शन नू समझो सब तो पहला कि बलदेव ने बिजनेस शुरू किया है बलदेव बिजनेस का ओनर है प्रोपराइटर है वो बिजनेस जो भी पैसा इनवैसट करता है दैट इज कैपीटल तो अमाउंट इनवैसटड इन कैपीटल और बलदेव इन बिजनेस जो यदा मतलब यह बनया एनालिसाइज का मतलब असं विश्लेषण कर रहे तो सब तो पहला असं देखना है कि इस ट्रांजैक्शन करके किन्ने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं एक कैश अकाउंट ते एक कैपिटल अकाउंट क्यों क्योंकि जोड़ा बिजनेसमैन पैसा लगाता है वह कैपिटल अकाउंट तेन ट्रांसफर करते हैं परसनल अकाउंट होंगे है बिजनेसमैन का तो ध्यान देखो जो पहला अकाउंट इफेक्ट हो कैश अकाउंट सानू पता है रियल अकाउंट है रियल अकाउंट के अकॉर्डिंगली ध्यान देखिए कैश इज कमिंग इन कैश बिजनेस आ रहा है रियल अकाउंट का ट्रीटमेंट की दसद डेबिट वट कम्स इन कैश अकाउंट में असं की करांगे डेबिट। दूसरा कैपिटल अकाउंट है ये परसनल अकाउंट है क्योंकि बिजनेसमैन का ही अकाउंट होंगे ये बलदेव है जोड़ा ओनर है उस कैपिटल का वह गिवर है बिजनेस नू कैपिटल दे रहा है कैपिटल अकाउंट परसनल अकाउंट है परसनल अकाउंट का ट्रीटमेंट की होंगे डेबिट का रिसीवर क्रेडिट का गिवर बलदेव का यह कैपिटल अकाउंट एक तरह का गिवर है तो उस कैपिटल अकाउंट में असं की करांगे क्रैडिट यदा एनालिसाइज है विश्लेषण है ये अनुसार असं एंट्रीज करनिया ने हम करनिया कि मैंने परफॉर्मेंस तुसी देख सकते हो पिछली वीडियोस अज इत्थे देखो कि डेट वाली कॉलम पहला डेट लिखांगे जुलाई 1st जिमें इत्थे डेट सी कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि कैश नूं डेबिट करना है कैश स्टार्टिंग च लिखांगे अकाउंट लिख के थोड़ा स्पेस छड़ के एंड च डेबिट डी आर का मतलब डेबिट है ते जिस अकाउंट नूं असी दस्या सी कि कैपिटल अकाउंट नूं क्रैडिट करांगे तां थोड़ी जगह छड़ के टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपया कैपिटल लेके आया डेबिट डेबिट जिस अकाउंट नूं कीता उहदे सामने ये डेबिट वाला कॉलम है अमाउंट का ये क्रैडिट वाला जिवें असी फॉर्मेट च देखिया पहला तो जिस अकाउंट नूं क्रैडिट किया उस लाइन के बिल्कुल सामने असी क्रैडिट वाले कॉलम के 1 लाख रुपया लिखांगे बीइंग बिजनेस स्टार्टड विद कैश ये जस्ट डिस्क्रिप्शन देनी होंगी है ट्रांजैक्शन की कि ट्रांजैक्शन की है बिजनेस का लेन देन होया की है कि बिजनेस शुरू किया कैश नाल जा बीइंग अमाउंट इनवैसटड बाय बलदेव टू स्टार्ट द बिजनेस कुछ भी लिख सकते हैं इहदा कोई फॉर्मल रूल नहीं हुंदा। एक होर ध्यान नाल नवे उहदे मुताबक टू लिखना कोई जरूरी नहीं अजकल बुक्स दे विच क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया टैली सिस्टम इज देयर सीधा कैपिटल इत्थे लिखते हैं इत्थे सी आर मतलब क्रैडिट लिख देते हैं एक सिस्टम यह है कि डेबिट क्रैडिट भी ना लिखो अमाउंट ही दस दिंदा कि किनू डेबिट किया किनू क्रैडिट बट क्योंकि साडी बुक्स इहो जिहे ने तुसी कन्फ्यूज ना हो तो आपने ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है आपां अनुसार ही करांगे क्लीयर है एंट्री जे ये क्लीयर है तो आप अगे चलीए अगे बड़ा आसान काम है साड़ी फर्स्ट एंट्री सी नाउ सेकेंड डिपॉजिट रुपीज 30,000 इन बैंक उन्हें 30,000 बैंक जमा किए दो अकाउंट किहड़े इफेक्टेड हो रहे हैं क्योंकि दो ही हो रहे हैं इत्थे बैंक परसनल अकाउंट है रिसीवर है क्योंकि बैंक पैसे प्राप्त करने वाला जो बिजनेसमैन ने पैसे बैंक जमा कराए तो बैंक लेन वाला हो गया व्यक्ति है वो परसनल आर्टिफिशियल परसन है
ਸੋ ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ। ਕੈਸ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੋਂ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਹੈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਸ਼ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਟ ਕਮਜ਼ ਇਨ ਡੈਬਿਟ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਜੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਕੈਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਸੋ ਐਂਟਰੀ ਵਿਲ ਵੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ, ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਐਵੇਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ। ਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੇਮ ਮੈਥਡ, ਬੀਂਗ ਕੈਸ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਇਨ ਟੂ ਬੈਂਕ, ਅਮਾਊਂਟ ਵੀ ਸੇਮ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੈਬਿਟ ਕਾਲਮ 'ਚ, ਡੈਬਿਟ ਵਾਲਾ ਅਮਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਤਾ। ਡੇਟ ਦਾ ਸੇਮ ਮੈਥਡ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਈਅਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਈਅਰ ਲਿਖਣਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ, ਕੈਸ਼ ਵਿਦਡਰੂ ਫਰੋਮ ਬੈਂਕ ਰੁਪੀਸ 3,000 ਇਨ ਬੈਂਕ। ਲੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਕਢਵਾ ਵੀ ਲਏ, ਹੁਣ ਵਿਦਡਰੂ ਮਤਲਬ ਕਢਵਾਣੇ, 3,000 ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਏ। ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਐਂਟਰੀ ਸੀ, ਬਟ ਰਿਵਰਸ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਏ, ਕਢਵਾ ਲਏ। ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਕੈਸ਼ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਇਨ, ਕੈਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੈਬਿਟ। ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਬੈਂਕ ਪਰਸਨਲ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗਿਵਰ, ਬੈਂਕ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਇਜ਼ ਗਿਵਰ, ਸੋ ਵਿਲ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਸੋ ਐਂਟਰੀ ਵਿਲ ਬੀ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 30,000, 3,000, ਨਰੇਸ਼ਨ ਬੀਂਗ ਕੈਸ਼ ਵਿਦਡਰੂ ਫਰੋਮ ਬੈਂਕ। ਹਰ ਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ, ਨਾ ਉਹ ਡੇਟ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਲੈਜ਼ਰ ਫੋਲੀਓ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਲਮ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਸੀ ਦੋ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ, ਗੁੱਡਸ ਵਰਥ ਰੁਪੀਸ 20,000 ਪਰਚੇਸਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਚੇਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। 20,000 ਦੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁੱਡਸ ਕੈਸ਼ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਕੈਸ਼ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁੱਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲਸ ਇਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਦੋ ਅਕਾਊਂਟ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ, ਇੱਕ ਗੁੱਡਸ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਜੇਕਰ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਚੇਜ ਅਤੇ ਸੇਲ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਗੁੱਡਸ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੁੱਡਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਸੇਲਸ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਬਟ ਦੇ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਗੁੱਡਸ, ਦੋਨੋਂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ, ਪਰਚੇਜ ਅਤੇ ਸੇਲ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਪਰਚੇਜ ਅਤੇ ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਰਚੇਜ, ਪਰਚੇਜ ਮੀਨਸ ਗੁੱਡਸ, ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਗੋਇੰਗ ਆਊਟ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਰਚੇਜ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ 20,000, 20,000 ਬੀਂਗ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਸਡ। ਕਲੀਅਰ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਨਾਮ ਕਿਸ ਦਾ, ਸਪਲਾਇਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ, ਗੁੱਡਸ ਵਰਥ ਰੁਪੀਸ 20,000 ਪਰਚੇਜ ਫਰੋਮ ਮੋਹਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ ਕਰ ਲਈਆਂ ਬਈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਹਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਨ ਥਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਇੰਡ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ ਪੱਕਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨੇਮ ਆਫ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ, ਸਪਲਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਹਨ, ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੈਸ਼ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਪਲਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇਟ ਇਜ਼, ਐਜ਼ ਕੈਸ਼ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪਲਾਇਰ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ। ਦੋ ਅਕਾਊਂਟ ਇਫੈਕਟਡ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਮੋਹਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਗੁੱਡਸ ਮੀਨਸ ਪਰਚੇਜ ਅਕਾਊਂਟ। ਪਰਚੇਜ ਮੀਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਗੁੱਡਸ,
ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਨੇ, ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਡੈਬਿਟ। ਮੋਹਨ ਦੂਸਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਅਸਰ ਕਿਸ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਮੋਹਨ ਤੇ। ਮੋਹਨ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗਿਵਰ। ਗਿਵਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਨ ਗਿਵਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਮੋਹਨਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਦਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ, ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲਣੀ ਆ ਰਹੀ ਨੇ, ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਐਸ ਜੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਮੋਹਨਸ ਅਕਾਊਂਟ। 20,000, 20,000, same way the narration, being goods purchased on credit from Mohan. Goods worth rupees 2,000 purchased from Mohan with cash. देखो मैं same transaction को comparison करने लिए दस्या। 2,000 दिया goods purchased की थी, Mohan तो की थी, but one thing very important, with cash, ये difference है। नाम भी दिता है supplier दा, cash भी लिखता। जेकर ये हो जी condition है, तां सी उस transaction को cash transaction मानते हैं। ਓਨਲੀ ਟੂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਇਫੈਕਟਡ, ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਗੁੱਡਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਨ ਇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਪਰਚੇਜ਼ ਮੀਨਸ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਗੁੱਡਸ ਕਮਿੰਗ ਇਨ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਡੈਬਿਟ। ਕੈਸ਼ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਕੈਸ਼ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਆਊਟ, ਕੈਸ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਗੈਟਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ, ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਧਿਆਨ ਮੇਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੈਸ਼ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ, ਗੁੱਡਸ ਵਰਥ ਰੁਪੀਸ 10,000 ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਫਰੋਮ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਅਮਾਊਂਟ ਪੇਡ ਬਾਈ ਚੈੱਕ। ਯੈਸ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਅਕਾਊਂਟ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨੇਮ ਆਫ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਟ ਵਿਦ ਦਾ ਚੈੱਕ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਮੈਂਸ਼ਨਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਦਿਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਥਰੂ ਬੈਂਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਇਫੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋਏਗਾ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੇਮ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਗਿਵਰ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੋ ਗੈਟਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, 10,000 ਡੈਬਿਟ, 10,000 ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਅਮਾਊਂਟ, ਡੇਟ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਿਰਫ ਆਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ, ਗੁੱਡਸ ਵਰਥ ਰੁਪੀਸ 5,000 ਸੋਲਡ। ਹੁਣ ਪਰਚੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਸੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੇਮ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕੈਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੁੱਡਸ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ 5,000 ਦੀਆਂ, ਦੋ ਅਕਾਊਂਟ ਇਫੈਕਟਡ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਸੇਲਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕਸਟਮਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਗਾ। ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਇਨ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਡੈਬਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡੈਬਿਟ ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ, ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਡੈਬਿਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਗੁੱਡਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਗੁੱਡ ਮੀਨਸ ਸੇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਗੁੱਡਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ, ਸੋ ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਜੋ ਸੇਲਸ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਬੇਟੇ? ਕੈਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੇਲਸ ਅਕਾਊਂਟ, 5,000 ਬੀਂਗ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ ਫੋਰ ਕੈਸ਼। ਪੇਸ਼ੈਂਸਲੀ ਸੋਚੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕਲੀਅਰ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਰਾਇਟੀ ਆਫ ਸੇਲਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਸੇਲ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਰਾਇਟੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਾਇਟੀ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੈਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਕੈਸ਼ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ, ਨਾ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਟ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਮਿਸਟਰ ਸਨੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੀਨਸ ਉਧਾਰ,
नगद नहीं है ये, कैश ट्रांजैक्शन नहीं। दो अकाउंट इफेक्टेड हो गए, एक था सनी, इस बार कैश था आई नहीं है अभी, सनी अकाउंट इफेक्टेड हो गया, पर्सनल अकाउंट है, सनी रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर दे अकाउंट नु असीं की कर दें डेबिट, सो सनीज अकाउंट गेट्स डेबिट, इन असीं की कर रहे हैं थे डेबिट कर दें। दूसरा अकाउंट इफेक्टेड होया गुड्स, जिन्हों असी सेल्स अकाउंट बनाएंगे, बिकॉज सेल इज देयर, बार बार दसन की जरूरत नहीं, सेल्स अकाउंट्स रियल अकाउंट है क्योंकि गुड्स बाहर जा रही ने, परचेज नहीं है इस बार, सेल बाहर जा रही ने, बिजनेस कस्टमर ले गया गुड्स, सो सेल्स अकाउंट में असी क्रेडिट करांगे, एंट्री सनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सनी साडा डेटर बन गया इस आज तो बाद, क्योंकि असी क्रेडिट सेल की है उसके अकाउंट में डेबिट किया, साडा डेटर बन गया, डेटर तो उही होंगे ने जिन्हों तो असी पैसे लेने ने इन फ्यूचर, नरेशन एंड अमाउंट इज देयर। नैक्सट वन, गुड्स वर्थ रुपीज 4000 सोल्ड टू मिस्टर पारुल फॉर कैश। हूँ देखो भी कस्टमर का नाम भी है मिस्टर पारुल पर कैश भी है, दिस मीनस इस ट्रांजैक्शन को सी कैश मनांगे। जे कस्टमर का नाम देता कैश नहीं लिखा होंदा फिर क्रेडिट सी, पर जो तो कैश लिखता था एक कैश ट्रांजैक्शन की तरह ट्रांजैक्शन होएगी। दो अकाउंट इफेक्टेड हो गए, एनालिसिस की बन गया, देखो जी इनू पढ़ो, ये पेपर च नहीं लिखना कुछ भी, ये समझाने वास्ते है, नेम ऑफ कस्टमर इज गिवन बट कैश इज ऑल्सो गिवन, सो इट इज कैश ट्रांजैक्शन, क्लीयर। टू अकाउंट्स आर इफेक्टेड, दो ही हो रहे ने, अगे आप करांगे तीन तीन अकाउंट वाली भी आने वाली वीडियोज़ दे विच। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, बिजनेस चाह रहा है, जो सेल की कैश आ गया कैश अकाउंट में डेबिट करांगे। सेल्स अकाउंट है, गुड्स नाल बिलोंग करता है, इस करके रियल अकाउंट है, गुड्स जो सेल करते हैं बिजनेस चो बाहर चलिया जाएं ने, सो गैट्स क्रैडिट सेल्स अकाउंट में, क्रैडिट ट्रांजैक्शन की बनगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड्स वर्थ रुपीज 3000 सोल्ड टू मिस्टर पी एंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। ओ बैंक फिर आ गया जी, चेक इज देयर, ध्यान नाल, 3000 दियां गुड्स बेचियां ने मिस्टर पी नूं, पहला मिस्टर पारुल सी हुण मिस्टर पी, कोई भी हो सकता है भी तुहाडे चों भी, हाँ जी 3000 दियां गुड्स बेचियां, पैसे मिले इस बार, बच की हो चेक नाल मिले, कैश नहीं आया, रोकड़ा नहीं आया बिजनेस दे विच, चेक आया था बिजनेस दे बैंक जाएगा, बैंको पैसे पकड़ के अपने अकाउंट जमा कर दूगा, अपना अकाउंट नहीं बिजनेस दे अकाउंट जमा कर देगा बैंक। ते इथे की हो गया, ध्यान नाल, दो अकाउंट इफेक्टेड हो गए, बैंक अकाउंट, क्लीयर। पहला एनालिसिस देखो, इन समझन का ढंग जो मैं समझाया, नेम ऑफ कस्टमर इज गिवन बट चेक मीनस बैंक इज द रिसीवर, सो इट्स ट्रांजैक्शन लाइक कैश, एक तरह की कैश वर्गी ट्रांजैक्शन होगी क्योंकि क्रेडिट तो है नहीं बट पेमेंट रिसीव्ड थ्रू बैंक, क्योंकि पेमेंट बैंक नू मिली है इस बार, चेक उत्थे जमा होया, एंट्री की बन गई बेटे, बैंक अकाउंट परसनल अकाउंट है, रिसीवर है बैंक परसन के तौर पर, बैंक के अकाउंट नू डेबिट करांगे, सेल गुड्स नाल बिलोंग करदियां ने, बिजनेस चों बाहर जा रही ने, रियल अकाउंट चांदियां ने, सेल अकाउंट नू की करांगे क्रेडिट, बार बार मैं दस रहा सेल वाला था, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बाकी डेट डेबिट लिखना की मैं नरेशन हो तुम्हें मैं दस चुके हैं, बीइंग गुड सोल्ड टू मिस्टर पी एंड। सो स्टूडेंट्स द कंक्लूजन ऑफ टुडेज वीडियो इज दैट इफ वी वांट टू मेक द जर्नलाइज एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ वेरी ईजी वी शुड कंसंट्रेट अपॉन बेसिकली 5 or 6 पॉइंट्स। फर्स्टली वी शुड अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शन, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई वो एक शब्द को ग्रैब करो, उन्हें समझो की है। सैकेंड, उस ट्रांजैक्शन को समझ तो बाद असी डिसाइड ये करना होंगे कि साढ़े को किड़े दो तीन किन्ने अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं उस ट्रांजैक्शन दे करके, रिकैपचुलेट कर रहे हैं जो अज आप ने किया एक बार फिर, तो उस तो बाद असी ये देखना होंगे कि जो दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, जो असी ट्रडिशनल मैथड न चल रहे हैं तो उत्थे उहदे विचों किहड़ा परसनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, तो परसनल रियल ते नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली उसते डेबिट इंपैक्ट पैना या क्रेडिट। फिर परफॉर्मर नूं ध्यान च रखो, डेट नूं ध्यान च रखो, डेट दसण दा ढंग दस्सिया तुहानूं मैं, उस तो बाद पर्टिकुलर जिथे डिस्क्रिप्शन देनी है ट्रांजैक्शन की, डेबिट ते क्रेडिट कीवें लिखना है, नरेशन उहदी डिस्क्रिप्शन देनी हुंदी है एंट्री दे रिगार्डिंग, अमाउंट, इस ढंग दे नाल असीं इक कंप्लीट जर्नल एंट्री कर पाते हैं। कुछ होर जर्नल एंट्री तुहाडे नाल मैं सांझिया करांगा नैक्सट वीडियो दे विच, ਤਾਂ ਕਿ ਜਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕਨਸੈਪਟ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਲੱਸ 1 ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ।
तब तक थैंक यू वेरी मच।